अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की हमारी अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी ने, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने और तमाम हमारे नेताओं ने मिलकर के, जो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं उनका कोटि कोटि आभार प्रकट करना चाहता हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी ने और आला कमान ने जो इज्जत बख्शी है, जो जिम्मेदारी दी है, मैं समझता हूँ कि मेरे लिए इससे बड़ा कोई सौभाग्य का विषय नहीं हो सकता। मैं कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेहनत से जो राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, उसकी जो योजनाएं हैं, जो उनके द्वारा जो कल्याण के लिए प्रदेश के लोगों के लिए जो किया जा रहा है, उसको सबको पूरे प्रदेश में जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता जिनके बलबूते पे हम यहाँ राजस्थान में सरकार बनाई, मैं समझता हूँ उन सब की भावनाओं के अनुरूप उनके मान और सम्मान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और आने वाले समय में 2023 में जो चुनाव होने हैं, उन्हें कांग्रेस के राजस्थान में भारी बहुमत के साथ में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं, प्रदेश के तमाम करोड़ों लोगों के आशीर्वाद से, उसके कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, जो योजनाएं हमारे यूपीए सरकार के समय सोनिया गांधी जी ने और राहुल गांधी जी ने दी थी, मनमोहन सिंह जी ने दी थी, उनका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हमारे प्रदेश की जनता को मिले। और अब जो हमारी लोक कल्याणकारी सरकार माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में चल रही है, उनके द्वारा जो प्रदेश के लोगों के लिए अच्छी योजनाएं दी जा रही हैं और उनका लाभ आम जन तक, गरीब तक, खेत ढाणी में बैठे, खलिहान में बैठे आम आदमी तक कैसे पहुंचे, इसके लिए कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के हम लोग काम करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हम उनके मान सम्मान को बरकरार रखने के साथ साथ